2016 में पूर्व सैनिक सोनू महाजन पर हुए हमले के मामले में मंगलवार को गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जांच के आदेश दिए। हाल ही में सेवानिवृत्त नौसैनिक अधिकारी पर हुए हमले के बाद राजनीतिक गलियारों में राजनीति तीव्र हो गई है। भाजपा ने शिव सैनिकों द्वारा एक सेवानिवृत्त नौसैनिक अधिकारी पर अपने हमले को लेकर ठाकरे सरकार पर निशाना साधा, जिस वजह से भाजपा को एक पुराने मुद्दे पर फंसाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही सचिन सावंत ने आरोप लगाया कि तत्कालीन भाजपा विधायक ने राज्य में फडणवीस सरकार के दौरान एक सैनिक को मारने की कोशिश की थी। इन आरोप प्रत्यारोप के बीच गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पुलिस को तत्कालीन भाजपा विधायक और वर्तमान सांसद उन्मेष पाटिल और अन्य की जांच करने के निर्देश दिए हैं। सोनू महाजन जो माजी सैनिक है, मुकाम चालीसगांव जिला जलगांव, इनके ऊपर 2016 में माजी आमदार और भारतीय जनता पार्टी के अभी के खासदार श्री उन्मेष पाटिल और उनके साथीदारों ने जानलेवा हमला किया था। इस जानलेवा हमले के बाद में सोनू महाजन ने अपनी तकरार पुलिस में देने की कोशिश किया, FIR दाखिल करने की कोशिश किया, लेकिन उस टाइम भारतीय जनता पार्टी सरकार यहाँ पे थी करके उनकी तकरार या FIR दाखिल नहीं किया गया। उसके विरुद्ध में सोनू महाजन माजी सैनिक हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने 2019 में सोनू महाजन जो माजी सैनिक थे उनकी तकरार दाखिल करने के आदेश दिए हैं। उस प्रकार अभी FIR दाखिल हो चुका है और उसके तहत जो अभी जो माजी विधायक और अभी के खासदार भारतीय जनता पार्टी के उन्मेष पाटिल, इनके ऊपर कार्रवाई होने के लिए काफ़ी निवेदन मुझे प्राप्त हुए और उसके बारे में चौकसी के आदेश मैंने दिए हैं।